दुनिया में अधिकांश महत्वपूर्ण चीज़ें उन लोगों द्वारा पूरी की गई हैं जिन्होंने तब कोशिश की है जब कोई उम्मीद नहीं थी। देखिए कभी कभी क्या होता है, हम कोशिश करते करते बिल्कुल थक जाते हैं और लास्ट में क्या होता है, लगता है कि अब मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन देखिए, अगर आपने उस समय कोशिश की जब आपको लगे कि अब मैं किसी काम का नहीं हूँ, कुछ नहीं कर सकता, तो उसी समय डायरेक्ट आपको सफलता मिलेगी। यानी कि जब कोई भी उम्मीद नहीं बचती है तभी समझ लीजिए आपको सफलता मिलने वाली होती है। तो उस समय बिल्कुल धैर्य रखा कीजिए जब आप निराश होने लगे। तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 20 अक्टूबर के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे, और आज की वीडियो में टोटल हम 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन भी पूछेंगे, तो आपको इन 5ों प्रश्नों के जवाब भी देने हैं। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और देखिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की PDF लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल में हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर में पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। देखकर उत्तर अमरीका पहला प्रश्न है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है। तो देखिए, भारत जो है ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 94वें स्थान पर है। और देखिए, दूसरा था कि हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। तो देखिए, यूनेस्को में जो है भारत के स्थायी प्रतिनिधि बनाए गए हैं विशाल वी शर्मा। और तीसरा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का 36वां स्थापना दिवस किस वर्ष मनाया गया। तो देखिए, ये वर्ष आपका है 2020, यानी कि इसी साल हमने 36वां स्थापना दिवस मनाया है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का। और चौथा था कि द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स पुस्तक को किसने लिखा है। तो देखिए, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स पुस्तक को लिखा है शशि थरूर ने। और पाँचवा था कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पराली यानी कि जो पुआल है उसको जलाने से रोकने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक नए आयोग का गठन किया है। तो देखिए, ये व्यक्ति आपके हैं मदन बी लोकुर, जो कि भारत के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि भारत श्रीलंका के बीच में जो आपका समुद्री अभ्यास होता है सिलिनेक्स, तो इसका जो 8वां संस्करण है ये किस स्थान पर आयोजित किया गया। तो देखिए, जो आपका सिलिनेक्स 2020 है ये अभी हाल ही में श्रीलंका के त्रिंकोमाली में आयोजित किया गया था। और देखिए, ये 19 अक्टूबर को शुरू हुआ है और ये 21 अक्टूबर तक चलेगा। आपको बता दूं, जो आपका ये सिलिनेक्स 2020 है जो कि 8वां संस्करण है सिलिनेक्स अभ्यास का, तो देखिए इस नौसैनिक अभ्यास में भारतीय नौसेना की ओर से जो भारत का स्वदेशी रूप से विकसित ASW कोरवेटेस कोमार्टा है और जो आपका किल्टानन है, ठीक है, तो इन दोनों युद्धपोतों ने हिस्सा लिया। और श्रीलंका की तरफ से वहाँ की नौसेना का जो आपका SLN सिप्स सायुरा है, जिसको ऑफशोर पेट्रोल वेसल भी कहते हैं, और श्रीलंका का जो आपका गजबाहु प्रशिक्षण पोत है, इन दोनों ने हिस्सा लिया इस सिलिनेक्स 2020 में। तो जो आपका सिलिनेक्स है, याद रखिएगा, ये भारत और श्रीलंका की नौसेनाओं का एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है और अभी हाल ही में इसका जो 8वां संस्करण है ये श्रीलंका के त्रिंकोमाली में आयोजित किया गया और ये 19 तारीख को स्टार्ट हुआ है और ये 21 अक्टूबर तक चलेगा। और एक खास बात ये रही, देखिए इस साल का जो आपका ये सिलिनेक्स अभ्यास है तो ये COVID-19 महामारी के चलते जो आपका एट सी ओनली है इसकी तर्ज पर जो है आयोजित किया जा रहा है। और दूसरा प्रश्न है कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार किसे दिया गया। देखिए, ये पुरस्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। तो इसके विनर का नाम देखिए है ऐश्वर्या श्रीधर, नाम ही रखिएगा ऐश्वर्या, देखिए नाम तो वैसे भी बहुत पॉपुलर है अभिषेक बच्चन की वाइफ। तो ऐश्वर्या श्रीधर जो है इनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार दिया गया है। देखिए, जो आपकी ऐश्वर्या श्रीधर हैं तो ये पुरस्कार जीतने वाली ये भारत की पहली महिला बन गई हैं। और जो आपका ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार था, तो देखिए ये जो है इस प्रतिष्ठित पुरस्कार का 56वां वर्ष है जब इसको वितरित किया जा रहा है। और जो आपकी ऐश्वर्या हैं तो देखिए ऐश्वर्या ने जो है लाइट्स ऑफ पैशन शीर्षक वाली अपनी तस्वीर के लिए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 का ये पुरस्कार जीता है। और देखिए, जो आपकी ऐश्वर्या है इन्होंने बिहेवियर इन्वर्टिब्रेट श्रेणी में ये पुरस्कार जीता है और ये जो है वयस्क श्रेणी में भारत की ओर से ये प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की लड़की भी हैं। और देखिए, जो आपका ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार होता है तो ये पुरस्कार जो है इसके जो विजेता होते हैं इनकी घोषणा लंदन में प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय यानी कि हिस्ट्री म्यूजियम इन लंदन में अभी हाल ही में की गई है। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जितने मैंने फैक्ट बताए उनको नोट कर लीजिएगा। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किसे वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय बैंक संघ यानी कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। तो देखिए, अभी हाल ही में भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं राज किरण राज, और राज किरण राज जो है ये वर्तमान में यूनियन बैंक के चीफ भी हैं।
देखिए, आप बता दूं जो आपके राजकुमार राहिल को तो भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष बना दिया गया है, लेकिन इसके साथ में अभी हाल ही में दिनेश कुमार खारा को बनाया गया है भारतीय बैंक संघ का उपाध्यक्ष। और देखिए, जो आपका इंडियन बैंक एसोसिएशन यानी कि भारतीय बैंक संघ है, तो ये जो है भारत में बैंकिंग पारिस्थितिकी तंत्र में बैंकों और अन्य संस्थाओं का एक संघ है जो कि अपनी सदस्यों का जो प्रबंधन करता है। और जो कि जो आपका ये इंडियन बैंक एसोसिएशन है यानी कि भारतीय बैंक संघ है, इसका मुख्यालय आपका महाराष्ट्र के मुंबई में है और इसकी स्थापना की गई थी 26 सितंबर 1946 को। चौथा प्रश्न है कि किस देश के गेंदबाज उमर गुल ने हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। तो देखिए, उमर गुल जो है ये आपके एक पाकिस्तानी क्रिकेटर रहते हैं और इन्होंने पहले में क्रिकेट के जितने भी फॉर्मेट होते हैं, जैसे कि हो गया आपका T20 और वनडे हो गया और टेस्ट हो गया, तो इन सबसे जो है इन्होंने संन्यास ले लिया है। और पांचवा प्रश्न है कि भारत ने किस साल तक ट्रांस फैट फ्री होने का लक्ष्य रखा है। तो देखिए, भारत ने जो है 2022 तक ट्रांस फैट फ्री होने का लक्ष्य रखा है। और देखिए, ये घोषणा भी हाल ही में जो भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है, तो इनके द्वारा की गई है। तो देखिए, ये वो टारगेट ईयर होता है, किस टारगेट तक मतलब किस वर्ष तक जो है कौन सा लक्ष्य रखा गया, किस योजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया, ये प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो देखिए, भारत ने क्या टारगेट रखा है, 2022 तक जितना भी ट्रांस फैट वाला भोजन है उसको जो है ख़त्म करना, यानी कि ट्रांस फैट का यूज जो है खाने में कम करना। ट्रांस फैट होता क्या है, देखिए ट्रांस फैट के प्रयोग से जो आपका मोटापा यानी कि ओबेसिटी है ये बढ़ता है, और टाइप 2 मधुमेह यानी कि टाइप 2 डायबिटीज़ होता है इसके लिए जो है मार्ग प्रशस्त होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, हमारे नशे जो वेंस यानी कि नशे होती हैं उनमें ये ब्लॉकेज वगैरह करते होता जाके जम जाता है वहाँ पर। और देखिए, हार्ट अटैक की भी जो है संभावनाएं बढ़ जाती हैं अत्यधिक ट्रांस फैट के सेवन से। और ट्रांस फैट क्या है, देखिए आपने तरल वनस्पति तेलों का नाम सुना होगा, तो तरल वनस्पति तेल जो होते हैं उनको क्या कहता है, सॉलिडिफाई किया जाता है। आपने डालडा का नाम सुना होगा, देखिए होता क्या है, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एक अभिक्रिया कराते हैं, तो जो आपके ये वनस्पति तेल होते हैं ये फिर डालडा में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो डालडा में जो है देखिए ट्रांस फैट बहुत ही अधिक मात्रा में होता है, ये हमारे सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो प्रयास कीजिए कि आप जो है ट्रांस फैट का इस्तेमाल कम कीजिए। देखिए, जो आपका आपको मैंने बताया कि निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो आपके ये वनस्पति तेल हैं तो उनको डालडा में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि जो आपका वनस्पति घी है जिसको कहते हैं उसमें कन्वर्ट किया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोजनाइजेशन यानी कि हाइड्रोजनीकरण, ठीक है। और देखिए, जो कि ट्रांस फैट होते हैं ये बड़े पैमाने पर वनस्पति नकली और कृत्रिम मक्खन विभिन्न बेकरी उत्पादों में मौजूद होते हैं तथा ये तले हुए या फिर पके हुए खाद्य पदार्थों में भी पाए जाते हैं। देखिए, वर्तमान समय में जो है मार्केट में बहुत सारे मक्खन वगैरह आते हैं, तो देखिए उसमें कुछ ही ब्रांड ऐसे हैं जिन पर विश्वास किया जाता है, बाकी के नकली जो है मक्खन होते हैं और उन मक्खन में जो है ट्रांस फैट बहुत होता है। तो देखिए, मक्खन खाना तो सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन अगर आप नकली मक्खन आप खाते हैं तो समझ लीजिए कि आप ट्रांस फैट ले रहे हैं और आगे 35-40 साल की उम्र में जो है आपको BP और शुगर जैसी बीमारियाँ हो सकती हैं। और वैश्विक परिदृश्य की बात करें तो देखिए, विश्व के लगभग 6 देश जो है ये ट्रांस फैट के औद्योगिक उत्पादन को प्रतिबंधित कर चुके हैं 2018 से ही, लेकिन अभी भी 110 से अधिक देश ऐसे हैं जो इस हानिकारक यौगिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, इसका इस्तेमाल बिल्कुल बंद कीजिए आप। और छठा प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला का जो कार्यकाल है ये कब तक के लिए बढ़ा दिया है। तो देखिए, जो भारत के केंद्रीय गृह सचिव हैं अजय भल्ला, इनका कार्यकाल 22 अगस्त 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। देखिए, आपको बताता हूँ, जो आपके अजय भल्ला है ये असम मेघालय कैडर के 1984 बैच के एक IAS ऑफिसर हैं और अगस्त 2019 में इनको गृह सचिव बनाया गया था भारत का, और 30 नवंबर 2020 को इनका कार्यकाल पूरा होने वाला था, तो इसीलिए इनको रिन्यूअल मिल गया है और ये है ये अब 22 अगस्त 2021 तक इस पद पर यानी कि केंद्रीय गृह सचिव के पद पर बने रहेंगे। सातवां प्रश्न कि हाल ही में किस देश ने संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के कानून और न्याय मंत्रियों की 7वीं बैठक की मेजबानी की। तो देखिए, अभी हाल ही में भारत ने जो है संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के कानून और न्याय मंत्रियों की 7वीं बैठक की मेजबानी की है। और देखिए, इस बैठक की अध्यक्षता जो है जो भारत के भारतीय विधि और न्याय और संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं रवि शंकर प्रसाद, तो इन्होंने इसकी अध्यक्षता की। और आपको बता दूं, जो आपका संघाई सहयोग संगठन है, तो देखिए संघाई सहयोग संगठन को अंग्रेजी में हम कहते हैं संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में इसको हम कहते हैं SCO। तो जो आपका SCO है इसका हेडक्वार्टर है चीन की बीजिंग में और इसकी स्थापना 15 जून 2001 में की गई थी और इसके 8 सदस्य देश हैं। पहला आपका है चाइना, दूसरा इंडिया है, तीसरा कजाकिस्तान है, चौथा है किर्गिस्तान, पाँचवा है रसिया, छठवां आपका है पाकिस्तान, सातवां है ताजिकिस्तान और आठवां है उज्बेकिस्तान। आठवां प्रश्न कि हाल ही में भारत ने किस युद्धपोत से ब्रह्मोस सुपर सैनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है।
तो देखिए भारत ने जो है बिहारी में INS चेन्नई से जो है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। देखिए जो आपका ब्रह्मोस मिसाइल है तो इसकी जो टॉप स्पीड है, देखिए ब्रह्मोस का जो पिछला संस्करण है तो उसमें कुछ कमियां थी तो उसको दूर किया गया है। नए वाला जो आपका ब्रह्मोस मिसाइल है इसकी टॉप स्पीड है 2.8 मैक, जो कि ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना तेज है। और जो आपकी नई वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ये 400 किलोमीटर दूरी तक जो है लक्ष्य को मार सकती है। और वर्तमान में जो आपका पुराना वाला संस्करण था ब्रह्मोस का, तो इसकी जो आपकी मारक क्षमता थी ये थी 290 किलोमीटर, तो इसी 290 किलोमीटर की मारक क्षमता को बढ़ाया गया है नए वाले संस्करण में। अब जो आपका ये नया वाला ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ये 400 किलोमीटर दूरी तक जो है अपने टारगेट को नष्ट कर सकता है। और नवा प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने कहां पर अपनी परमाणु सक्षम पृथ्वी 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक रात्रि परीक्षण किया है, यानी कि रात में परीक्षण किया है। तो देखिए ये प्लेस आपका रहा ओडिशा का बालासोर। अभी हाल ही में ओडिशा के बालासोर से जो है पृथ्वी 2 मिसाइल का रात्रि परीक्षण किया गया था। देखिए जो पृथ्वी 2 का ये आधुनिक संस्करण है ये इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित किया गया है, और इसको विकसित किया है DRDO ने। और जो आपका ये पृथ्वी 2 का नया संस्करण है तो देखिए ये जो है सतह से सतह पर मार करने वाला एक रणनीतिक मिसाइल है। और DRDO की बात करें जिसने इस मिसाइल को बनाया है, तो देखिए जो आपका DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना 1958 में की गई थी और इसका मुख्यालय आपका है नई दिल्ली में। और दसवां प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ यानी कि दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का नया अध्यक्ष चुना गया है, तो देखिए DDCA के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं रोहन जेटली। रोहन जेटली जो है ये अरुण जेटली के बेटे हैं और ये जो है इस पद के लिए मैदान में अकेले उम्मीदवार थे, क्योंकि इनके खिलाफ नामांकन दाखिल करने वाले एकमात्र उम्मीदवार ने कहा था कि भैया हम इनके खिलाफ नहीं खड़े होंगे। और देखिए जो आपके ये रोहन जेटली जो है जो कि अरुण जेटली के बेटे हैं, तो ये जो है पेशे से वकील रहे हैं और इनकी उम्र वर्तमान में 31 वर्ष है और ये जो है इस पद पर यानी कि दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के पद पर जो है 30 जून 2021 तक बने रहेंगे। तो ये सारी डिटेल्स याद रखिएगा रोहन जेटली के बारे में। देखिए इनके जो पिताजी थे ये भी जो है DDCA के अध्यक्ष रह चुके हैं, तो उन्हीं के सम्मान में देखिए जो एक उम्मीदवार था कहा कि भैया अब इनके खिलाफ तो मैं नहीं खड़ा होऊंगा। और 11वां प्रश्न है कि हाल ही में कौन दूसरी बार न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री बनी, तो देखिए अभी हाल ही में जो आपकी जैकिंडा अर्डन है ये न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री बनी हैं और ये दोबारा इस पद के लिए चुनी गई हैं। और न्यूजीलैंड की बात करें तो देखिए न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है और न्यूजीलैंड के जो मुद्रा है ये आपकी है न्यूजीलैंड डॉलर। 12वां प्रश्न है कि हाल ही में किस प्रख्यात बंगाली वक्ता का निधन हो गया, तो देखिए ये प्रख्यात बंगाली वक्ता आपके हैं प्रदीप घोष। प्रदीप घोष का भी हाल ही में निधन हो गया है। देखिए जो आपके प्रदीप घोष हैं ये एक प्रमुख रंगकर्मी प्रसिद्ध मुखर कलाकार थे जो कि अपनी सरल शैली के लिए प्रसिद्ध थे, और इनके सबसे उल्लेखनीय कार्यों में विशेष रूप से बच्चों के लिए किए गए टैगोर यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर की जो कविताएं हैं उनका पाठ शामिल है। तो याद रखिएगा प्रदीप घोष है इनका निधन हो गया हाल ही में और ये एक प्रख्यात बंगाली वक्ता थे। तो ये आपके आज के सारे करंट अफेयर पूरे हो गए हैं और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे, तो सभी लोग तैयार हो जाइए आंसर देने के लिए। और जो लोग वीडियो को लाइक करना भूल गए हैं वो तुरंत लाइक कर दें फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस राज्य के उपराज्यपाल ने 19 अक्टूबर से माई टाउन माई प्राइड नाम का एक आंदोलन शुरू किया, बताइए। और दूसरा प्रश्न कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस संस्था की 75वीं जयंती के अवसर पर 75 रुपये का एक स्मारक सिक्का जारी किया है, बताइए। और तीसरा प्रश्न कि किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में एशिया की सबसे लंबी जोजिला सुरंग का निर्माण किया गया था, बताइए। और चौथा प्रश्न है कि किस राज्य में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को शुरू किया गया, बताइए। देखिए जो आपका ये रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान है इसके बारे में मैंने आपको कल के वीडियो में डिटेल में बताया था, तो उसको देख के रिवाइज कर डालिएगा। और पांचवा प्रश्न आपके लिए कि किस राज्य सरकार ने स्वच्छ पेयजल के लिए सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन योजना शुरू की है, बताइए। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स यही समाप्त होता है, कल फिर मिलेंगे कल के करंट अफेयर्स। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।